हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज हमारे डाल्टनगंज में अलका किशोरी जी आ रही हैं, गायत्री मंदिर रोड सुतना में। वहाँ आज कलश स्थापना है, तो मैं जा रही हूँ वहाँ कलश उठाने। चलिए आप सभी लोगों को भी दिखाती हूँ वहाँ क्या कैसे माहौल है, क्या हो रहा है। चलिए मिलते हैं। फिर निकल चुके हैं घर से। ये देखिए हमारे सब कलर है। ये देखिए ये भी जा रहे हैं, इनको भी कलर उठाना है। उठाना है कलर। हाय किजी, तो है हाय फ्लाइंग किस दीजिए, तो फ्लाइंग किस लड्डू। ये भी है हमारे पास लड्डू। देख लीजिए भैया, हिला के देख लीजिए, उसमें पानी रहना चाहिए। बिना पानी वाला नहीं दीजिएगा। Thank you.
कैलाश यात्रा उठने से पहले बहुत सारी माताएं लोग थी जो मंदिर में पहले ही कथा हो चुकी थी, वो सारे लोग भजन कर रही थी, नृत्य कर रही थी। तो फिर मैं कहाँ पीछे रहने वाली, मैं बोली चलो चलो, बहुत अच्छा मौका मिला। चूँकि आदमी को तो हमेशा मौका मिलता नहीं है सब टाइम एक जगह रहने का, बहुत भाग्य सौभाग्य होता है। तो हम लोग एक जगह मिलते हैं इतने सारे लोग, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। हम लोग बहुत ज़्यादा ये जो यहाँ पे मैं बैठ गई थी ढोलक बजाने के लिए, जो मुझे आता तो नहीं था, मैं तो पहले कभी नहीं बजाई थी, बट मैं यहाँ पे आंटी से बोली कि आंटी हमको भी दीजिए ना बजाने के लिए। एक आंटी बजा रही थी तो वो दी कि चलो लो बैठ जाओ बजा लो। एक बार तो फिर मेरी सासू में बैठ गई, उनको बजाने लगी, ऐसे ऐसे करके सारे दीदी लोग आंटी लोग जो भी थी सारे लोग बजा रहे थे। हमारे एक कथावाचक जो अलका किशोरी जी हैं वो आ गई हैं, वृंदावन से आई हैं, वो भागवत कथा करने के लिए वो आ गई हैं। तो यहाँ पे मंदिर में कलश यात्रा उठने से पहले जो भी पूजा वगैरह होता है वो सब सब पूजा वगैरह हो रहा था, उसके बाद फिर हम लोग कलश यात्रा लेकर के निकल गए। पहला दिन 16 फरवरी से 24 मई तक चलने वाले सुधना तुलसी मानस मंदिर के प्रांगण में भव्य आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं तमाम। हेलो हेलो, जय श्री राधे राधे। अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए और
बहुत अच्छा लग रहा था मिल करके सारे लोगों से। और यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे आ गए नदी में जल लेने के लिए, तो हमारे साथ माता किशोरी जी जो थी वो थी, चल रही थी, उनके साथ हम भी थे पीछे पीछे। बहुत अच्छा लग रहा था, पहली बार ऐसा हमारा सौभाग्य हुआ है कि हम जो भी कथा कहते हैं उनके साथ, मतलब इतना अच्छा कुछ बता नहीं सकते कि कितना अच्छा लग रहा था माता किशोरी जी के साथ में। फिर यहाँ पर मौका मिले तो भैया कौन छोड़ेगा, हम बोले कि नहीं नहीं कुछ फ़ोटोशूट भी तो होना चाहिए, तो फिर हम लोग यहाँ पर कुछ फ़ोटोशूट करवाए अपना। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। मैं आ गई अंदर नदी में जल लेने के लिए, अपना कलश में मैं जल भर ली, उसके बाद फिर यहाँ से भी हम लोग निकल गए। हम लोग पहुंच चुके थे स्थल पे, अपना अपना कलश को हम लोग रख दिए और उसके बाद फिर अब हम लोग अपना घर निकल गए। तो कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी डाल्टनगंज से हमारे ब्लॉग देख रहे हैं वो कथा सुनने जरूर आएगा। कल दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक कथा होगी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक।